So, very, very good evenings. Very, very good evenings. इस नए साल के पहले इवनिंग क्लासेस में आपका बिल्कुल ही वेलकम सर। नए साल के सो सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग्स एंड हैप्पी न्यू ईयर्स। शुभम चौहान जय हिंद। शुभम जी हाउ आर यू? शुभम हाउ आर यू? शुभम ओके। अंशुमन श्रीवास्तव गुड इवनिंग सर जी। वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। सभी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें। अंशुमन श्रीवास्तव हैप्पी न्यू ईयर सर जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय हिंद और नए साल की मुबारकबाद। सुनीता सिंह गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनीता। बिहार वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद। अंशुमन श्रीवास्तव कैसे हैं आप? अंशुमन मैं फाइन हूँ। आई एम फाइन ओके। सो सेशन की शुरुआत किया जाए। मनीष झा गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। गुड इवनिंग टू यू। कैसा बीता आपका फर्स्ट एंड सेकेंड? पिकनिक उकनिक मनाई आप सबों ने? चलिए लेट्स क्रैक सीडीएस एपकेट सीएपीओ विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर। आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के करंट अफेयर के साथ साथ जनवरी 2020 के भी क्वेश्चंस मैंने शामिल करी है। ओके वेरी गुड। शुभम चौहान माय नेम इज शुभम चौहान फ्रॉम खांडवा एमपी। वेरी गुड एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। संध्या जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए सो क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू टू एस द डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट। सो आज का महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए डियर्स। ओके सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स प्लस एनुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर सीडीएस सीएपीएफ एपकैट 2021-2022। ओके डियर्स माय नेम इज प्रमोद। ओके सीडीएस एपकैट वेरी गुड। सभी कोई अपने अपने और आज से जो आप शुरुआत करोगे मैं चाहता हूं आप सबों का साथ कंटिन्यूअस रहे और आप सभी कंटिन्यूअस रहे। ये मैंने देखा है कि लोग कंटिन्यूअस नहीं रहते हैं और भटकते रह जाते हैं और अल्टीमेटली उनका कोई भी गोल पूरा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं ये जो हमारी सेशन चलती है 6 बजे वाली सेशन, इसके बाद आप आओगे अन अकेडमी पे, ये दोनों ही सेशन में मैं आपको फिर से बताता हूँ, इस दोनों सेशन में मैं आपके आज के करंट अफेयर्स साथ ही साथ जनवरी से मैंने सेशन को लिया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी 2020 टू दिसंबर 2020 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वी विल कंक्लूड। ओके फाइन। तो आज से मैंने शुरुआत करी है और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा फाइन टिल योर एग्जामिनेशंस। रेडी फॉर बैटल्स? ओके सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स प्लस एनुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर सीडीएस सीएपीएम एपकैट एंड 2021-2022। आप हमारा रेफरल कोड यूज करो एजे कुमार फॉर गेटिंग सब्सक्रिप्शन। मैं प्लस पे भी हूँ। सो डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। लेट्स क्रैक योर डिफेंस एग्जामिनेशंस डेली लाइव क्लासेस चैट विद योर एजुकेटर्स एंगेज इन डिस्कशंस आस्क योर डाउट्स एंड आंसर पोल ऑल व्हाइल द क्लासेस इज गोइंग ऑन। स्ट्रक्चर कोर्सेस ऑल आवर कोर्सेस आर स्ट्रक्चर इन द लाइन ऑफ योर न्यू पैटर्न्स लेवल्स। गुड इवनिंग शिवम नायक वेरी गुड इवनिंग। जयन सभी को बताएं आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो एनडीए की तैयारी कर रहे हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एवलुएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विज एंड गेट डिटेल्स एनालिसिस ऑन परफॉर्मेंस। आप सभी को बिल्कुल अनलिमिटेड एसेस आप प्राप्त कर पाओगे। ओके शिवम चौहान यू आर ऑल्सो ए प्लस मेंबर वेरी गुड। सो अन अकेडमी लर्निंग एप में आपका बिल्कुल स्वागत है। आप अन अकेडमी के लर्निंग एप पे जाओ इंस्टॉल करो और सेशन को देख सकते हो। तो शुभम आ जाना आप। शुभम चौहान आज शाम में 7:30 बज के 10 मिनट में हमारी सेशन शुरू होगी
वो पूरे के पूरे विक्स के क्वेश्चंस हैं डियर्स, क्योंकि सैटरडे को होना था बट कल लीव था, सो आज वो क्वेश्चन आज हो रही है। ठीक है, टेलीग्राम में आप जाके मुझे देख सकते हो, टॉक कर सकते हो, डाउनलोड द टेलीग्राम एप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल्स। ओके, एज इट इज डियर, सिर्फ 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहिए आपको, और एटलीस्ट 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन को लो। और एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, फिर पूरी तरह से इस सब्सक्रिप्शन पे आपने क्या किया, सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद यू जस्ट टेक सब्सक्रिप्शन वन टाइम, एंड आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन और पूरे साल आप अपनी तैयारी को करते रहो। और ये ठान लो कि 2021 में मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है। कितने लोगों ने ये ठाना है और ठान के काम करते हैं डियर्स। ओके, हाँ जी, आपको 100 मार्क्स जीए में लाना है, ये मेरा प्लान है। ओके, कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। फाइन, सो यू कैन फॉलो मी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ओवर टेलीग्राम्स, इमिनेंट एजुकेटर्स, लेट्स क्रैक अन अकेडमी एप्स, करंट अफेयर्स ग्रुप्स, डाउनलोड्स द टेलीग्राम एप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। कल की जो सेशन शुरू होगी डियर, कल की जो शाम की सेशन 6 बजे होगी, उसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा कि किस पोर्शन में आपको कितना बढ़ाना है और आपको कैसे 100 मार्क्स लाना है। ओके, फाइन, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं अंशुमन, वी विल स्टार्ट, वेरी गुड। सो आइए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग फटाफट जवाब करोगे, हु हैज बीन कंफर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020, किन व्यक्तियों को तानसेन सम्मान 2020 मिला है। कल के मंडे को जो सेशन शुरू होगी, फर्स्ट सेशन में ही बताऊंगा कैसे आप 100 क्वेश्चन लाओगे, क्योंकि कल से मंडे से शुरुआत होगी डियर। ओके, हु हैज बीन कंफर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020, पंडित सतीश व्यास, पंडित विद्याधर व्यास, पंडित उल्लास खासकर एंड पंडित दालचंद शर्मा। आप बताने का आंसर प्रयास करेंगे। वॉट अपट, हु हैज बीन कंफर्म विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020, तानसेन सम्मान 2020। ओके, किसे मिला है, पंडित सतीश व्यास को, पंडित विद्याधर व्यास को, पंडित उल्लास खासकर को, पंडित दयालचंद शर्मा को। आप सबों ने आंसर करा है बी, सुमित सिंह ने आंसर करा है डी। ओके, सो लेट अस सी, द वर्ल्ड फेमस तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन बेहत विलेज इन ग्वालियर। एक तो सवाल यहाँ से आएगा कि फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो ग्वालियर में, इन द बेहत विलेज इन द ग्वालियर मध्य प्रदेश, फ्रॉम 26 दिसंबर टू 30 दिसंबर। ओके, और द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय एमपी कल्चर डिपार्टमेंट सिंस द पास्ट 94 ईयर्स इन द ग्वालियर इन द मेमोरी ऑफ म्यूजिक मैस्टिनो तानसेन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया। ओके, सो बेहत इज द विलेज बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन। एक देखो डियर, ये जो बेहत विलेज है, ये तानसेन का अपना जन्म स्थली है, यही इनका जन्म हुआ था। एंड एज अ पार्ट ऑफ द इवेंट, रेनॉन्ड संतूर वादक जो है पंडित सतीश व्यास वॉज कन्फर्ड अपॉन द प्रेस्टिजियस तानसेन सम्मान 2020। क्लियर, तो यू कैन मेक आंसर पंडित सतीश व्यास। ओके, आंसर होगा डियर आपका ए, पंडित सतीश व्यास। क्लियर है, हाँ जी, शिवम नायक, वेरी गुड, स्मार्ट बनते हैं आप, बिल्कुल स्मार्ट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर्स। तानसेन समारोह देख रहे हो, नेम द इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप एयर ड्रॉप कंटेनर्स। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर्स कौन है, उनके बारे में आपको बताना है डियर। फटाफट आंसर करेंगे, नेम द इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप एयर ड्रॉप कंटेनर्स व्हिच वाज टेस्ट ट्रायल रिसेंटली बाय इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ। इंडियन नेवी और डीआरडीओ के द्वारा किया गया है टेस्ट। प्रबल, केसरी, त्रिनेत्रा एंड सहायक, कौन सा, नेम द इंडियन फोर्स इंजीनियसली डिजाइन डेवलप एयर ड्रॉप कंटेनर, किस भारत के द्वारा अपनी स्वदेशी तकनीक से बना हुआ एयर ड्रॉप कंटेनर है जो टेस्ट किया गया है इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ के द्वारा। यू हैव टू मेक आंसर, शुभम ने करा है सी,
Trinetra. Shivam. The Indian Navy successfully conducted the maiden test trial of Sahayak. आप देख रहे हो यार, आंसर होगा इनका सहायक, एनजी सहायक, एस ए एच ए वाई ए के सहायक एनजी. फाइन. सहायक एनजी ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा ऑन 13 December 2020. सहायक एनजी द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप एयर ड्रॉप कंटेनर्स दैट विल इनहांसेस द ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी ऑफ द नेवी. The test trial was conducted by Indian Navy associated with Defense Research and Development Organization. Okay, fine. Correct. So your answer is Sahayak. बिल्कुल सही है, सभी ने answer करा है D. जितने लोगों ने C करा है, देख लो आपने wrong करा है. Answer क्या होगा? D. Very good. Answer is D. फटाफट चलते dear. Question काफी हैं आज, चूंकि आज Sunday है, इसलिए question की discussion कर रहा हूँ. Monday को हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग 100 नंबर लाते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में. वेरी गुड. गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवान एज द चेयरमैन ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू जनवरी 2022. भारत के सरकार ने किनके टेन्योर्स को, सर्विस काल को बढ़ा दिया है जनवरी 2020 के लिए, और वह है के सिवान. आप बताओगे के सिवान कौन है, डीआरडीओ या इसरो? डीआरडीओ, इसरो. वेरी गुड आंसर इज और परफेक्टली है ये आपका क्या होगा, इसरो. इसरो चेयरमैन के कार्यकाल को बढ़ाएगा. वेरी गुड. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ इसरो चेयरमैन के सिवान फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. बहुत अच्छा जवाब, उम्दा जवाब आपका चल रहा है डियर्स. कल का सेशन 6 बजे आप बिल्कुल ही पूरी एनर्जी के साथ देखोगे कि कल मैं आपको बताऊंगा कितने पोर्शन में कौन सी बुक्स पढ़नी है और कितने मार्क्स कैसे पढ़ने हैं ताकि आपको 100 मार्क्स आ सके. आप मुझे अनअकैडमी पर भी देख सकते हो 7:10 में डेली न्यूज एनालिसिस में. ओके, आप जब भी अनअकैडमी जाओगे तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, SPAJKumar. SPAJKumar. फाइन. टुमारो वी विल डिस्कस हाउ टू स्कोर द 100 मार्क्स इन योर जनरल अवेयरनेस. Extension of the term of ISRO chairman 14 January 2021 से 14 January 2022 तक कर दिया गया है. ओके, चलिए आप देख सकते हैं इन महानुभाव को. चलिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रपोजल टू सेट अप द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एंड द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन विच सिटी. किस शहर में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने मल्टी लेवल मॉडल लॉजिस्टिक हब्स एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स को एस्टेब्लिश करने की बात करा है? ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, पुणे एंड गुड़गांव. ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, पुणे एंड गुड़गांव. फटाफट आंसर करें डियर्स. शुभम चौहान का आ गया है बी हैदराबाद. मनीष झा का भी आ गया है बी हैदराबाद. वेरी गुड. अंशुमन श्रीवास्तव भी कह रहे हैं बी हैदराबाद. ओके, लेट अस सी द आंसर्स. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशांक लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टाइट आईआईटी हैदराबाद. ओके, आंसर इज योर हैदराबाद. बिल्कुल सही है डियर, आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही, हैदराबाद. India first pollinator park has been developed in which states? Indian first pollinator park has been developed in which state? Assam, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. ये pollinator park है, यहाँ पे कई species रखे गए हैं, इन species के कारण pollination किया जा सकता है और नए अपने species को नए नए variety में convert किया जा सकता है. अंशुमन श्रीवास्तव ने कहा ए असम, गलत जा रहे हो अंशुमन. अंशुमन श्रीवास्तव ने कहा बी हिमाचल प्रदेश, गलत है. और कुछ लोग कहना चाहते हैं. ध्रुव वर्मा ने कहा सर आप अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाते हो क्या? पढ़ाना है मुझे, अभी नोटिस मिला है, पढ़ाना है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बट ऐसे मैं स्पेशल क्लास में आता हूँ. ओके, शिवम नायक बी. हाउ वाज क्लासेस, क्लासेस कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चन है, जरा इस पर प्रकाश डालिएगा. आंसर सी मनीष झाने का, बिल्कुल सही एक आंसर आया है, करेक्ट आंसर है ये. तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं मनीष, मनीष झा का. इन्होंने कहा है सी.
So Indian first pollinated park has been developed in Haldwani in Nainital. देखो दिक्कत ये exact याद रखना क्योंकि आप UPSC के examination को देने जा रहे हो तो वो पूछ सकता है किन जगहों पे तो हल्द्वानी इन नैनीताल ऑफ द उत्तराखंड स्टेट. तो अगर स्टेट पूछेगा इफ यू आस्क चूंकि ये इंडिया में पहला है तो चांसेस है क्वेश्चन पूछने का. स्टेट पूछा तो आप बताओगे उत्तराखंड करेक्ट. अगर आपसे पूछ देगा तो डिस्ट्रिक्ट बताओगे हल्द्वानी और प्लेस पूछेगा तो क्या बताओगे नैनीताल. ओके सॉरी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट होगा और हल्द्वानी प्लेसेस होगा. क्लियर है. अच्छा अच्छा यू आर मनीषा सॉरी टू से मनीषा. ओके फाइन. चलो इनमें आप देख रहे हो कि द कलरफुल पार्क हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्च विंग्स ऑफ द हाइड्रोफोरेस्ट. इसमें 14 स्पीशीज एक और क्वेश्चन बन सकते हैं डियर. कितने स्पीशीज को रखा गया है तो 40 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हनी बीज बर्ड्स एंड इंसेक्ट इन द पार्क. ये क्यों? क्योंकि देखो ये बर्ड्स के ये एक फूल है इस फूल पे बर्ड बैठते हैं फिर दूसरे फूल पे बर्ड बैठते हैं तो यहाँ के पोलन को यहाँ ले जाते हैं और ये अगर फीमेल फ्लावर है तो इसमें क्या होता है पॉलिनेशन हो जाता है. क्लियर फाइन. सो गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मैंडेटरी यूजेस ऑफ फास्टैग. व्हाट इज द न्यू डेडलाइंस फास्टैग यूज करने का न्यू डेडलाइंस कौन सा है. 31st March 2021 31st January 2021 14th January 2021 एंड 1st February 2021. मनीषा जाने कहा है ए 31st March 2021. शुभम चौहान ने कहा नो आइडिया बिल्कुल गेट एन आइडिया. शिवम ने कहा ए. सौरभ पाल ने कहा सी. सौरभ पाल बिल्कुल गलत हो. संध्या क्या है संध्या जी ने कहा है सी बिल्कुल गलत है आप. सो लेट द आंसर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द मैंडेटरी यूजेस ऑफ फास्ट टैग्स फॉर द फोर व्हीलर द नेशनल हाईवे टिल फरवरी 1, 2021 तक इसने कर रखा है. ओके इट हैज बीन मैंडेट दैट अ वैलिड फास्टैग इज मैंडेटरी व्हाइल गेटिंग न्यू पार्टी इंश्योरेंस. दिस शैल बी एप्लीकेबल फॉर 1st April 2021. सो आंसर इज फरवरी 2021. वेरी गुड. ये बताइए तो आपने कहा यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट कौन है. हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट. यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट कल का जो सेशन होगा इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज कई दिनों से क्वेश्चन नहीं हुए थे. दो तीन से मैं क्लास नहीं ले रहा था इसलिए मैंने कराया. नितिन गडकरी. ओके नितिन गडकरी के बाद और कौन सा डिपार्टमेंट है. विच अनदर डिपार्टमेंट नितिन गडकरी हैव्स. Which another department Nitin Gadkari has? Nitin Gadkari ji ke paas aur kaun sa department hai? Ye road and transport hai. Dusra textile. Wrong. Unke baad department hai MSME. Micro, small and medium enterprises ka department hai. Shipping ka department hai. Road and transport. ओके हाँ जी MSME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस. वेरी गुड. चलिए बिल्कुल सही. ओके द टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सेटल सिस्टम इन इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम. इट हैज बीन सेटअप इन विच सिटी. किस सिटी में बनाया जा रहा है. फटाफट आंसर करें. शिपिंग एंड जहाजरानी एक ही चीज हुआ. हाँ जी न्यू दिल्ली रॉन्ग है. रमेश पोखरियाल नीतीश हैदराबाद आंसर इज योर. हैदराबाद जो लोग ए कर रहे हैं वो गलत है. अभी मैंने इसको डिस्कस किया था डियर फिर भी गलत हो रही है. हैदराबाद आंसर इज योर. हैदराबाद अभी हम लोग फिर से रीकैप में आएंगे तो हम लोग टिक लगाएंगे. अभी टिक नहीं लगाते हैं. आंसर इज योर हैदराबाद. जस्ट माइंड में रखो अभी सेशन जब एंड होने लगेगी तो फटाफट हम लोग करेंगे. ओके
चलिए फास्ट, विच गवर्निंग बॉडी हैज रिसेंटली कोलैबोरेट्स विद द यूएनडीपी इंडिया टू लॉन्च द इंडियन फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड. Which governing body has recently collaborated with the UNDP India to launch Indian first social impact bond? India का पहला social impact bond कौन सा है? Bokaro Chas Municipal Corporation, Birbhumi Municipal Corporation, Pimpri Chindwad Municipal Corporation Pune या Rewa Municipal Corporation? Answer आ रहा है B, बिल्कुल wrong है. डी देखते हैं आंसर. पिंपरी चिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे. आंसर देख लीजिए यार, पिंपरी चिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे. सो मेक योर आंसर फटाफट फटाफट. मनीषा जा फटाफट फटाफट. ए आ हा, संध्या जी फिर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मैंने स्लाइड पे आंसर दिखाया था. आंसर इज सी, आंसर इज सी. आई हैड शोन दिस थिंग इन स्लाइड्स. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इंदिरा जोसेफ वेनियर्स हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज रेनॉल्ड. ये किस सेक्टर की हैं? ब्रॉडकास्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्लासिकल डांसर हैं या पेंटर हैं? ओके नो इशू मेक इट करेक्ट. इंदिरा जोसेफ वेनियर्स हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज रेनॉल्ड. ब्रॉडकास्टर, सोशल एक्टिविस्ट, क्लासिकल डांसर एंड पेंटर, क्या है ये? सी रेनॉल्ड ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेनियर हैज पास्ड रिसेंटली. सो आप दे सकते हैं क्या है ब्रॉडकास्टर. फटाफट आंसर करें. आंसर कीजिए डियर. मैंने आंसर दिखा दिया है, फिर आपको आंसर करने हैं फटाफट. ये आपकी आईक्यू की चेक हो रही है. संध्या जी ने कहा ए, बिल्कुल सही. सभी कोई फटाफट आंसर करें. सो आंसर इज योर ब्रॉडकास्टर. वेरी गुड. तान्या चौधरी ने कहा ए, वेरी गुड. कल का सेशन बिल्कुल करेक्ट है. हाउ टू स्कोर 100 इन जीए इन योर सीडीएस सीएपीएफ ओके और एनडीए एंड एफ कैट में कैसे आप 100 मार्क्स करेंगे, इसी पर बहस होगी कल. और कल की सेशन बहुत महत्वपूर्ण है. जिन जिन चैप्टरों को मैं बोल दूंगा डियर, आप उस चैप्टर को पढ़ना और फिर अप्रैल वाले एग्जाम में जाके बैठना, फिर देखना कैसे आपका सिलेक्शन होता है. क्लियर? ए बिल्कुल सही है मनीषा झा, बिल्कुल ए. आंसर इज ए. अभी हम लोग रिविजन करेंगे फटाफट. अब आई डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीडीएस सीएपीएफ एफकैट 2021-2022. अब यहाँ से शुरू होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दौर. ठीक है डियर, इससे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लें. ओके अब हम लोग आंसर को टेक्स्ट करेंगे फटाफट. चलिए उसके बाद हम लोग मूव करते हैं. ओके फटाफट आंसर करेंगे. हु हैज बीन कन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020. देखते हैं किनका आंसर पहले आता है फटाफट. हु हैज बीन कन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2020. किसे तानसेन सम्मान मिला है? आंसर करो सभी कोई फटाफट. पंडित सतीश व्यास, पंडित विद्याधर व्यास, पंडित उल्लास. वेरी गुड वेरी गुड. मनीषा का, तन्मय का आ गया और किसी का नहीं आया. आंसर 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 आंसर. आई वांट आंसर. ओनली 3% मेक द आंसर, 10% आर सीइंग दिस वीडियो. बाकी लोग आंसर करो डियर्स. देखो जितना जूझोगे ना उतना मजा आएगा. यतेंद्रा गौतम ने कहा ये बिल्कुल सही है. संध्या जी ने कहा ए, बिल्कुल सही है. अर्शद प्रोडक्शन ने कहा ए, बिल्कुल सही है. ओके ओके ओके. आंसर इज योर एक के. ओके आंसर क्या होगा डियर? ए आंसर होगा. अब मैं ट्रिक करता हूं इसको. फाइन. सो सतीश व्यास. ओके नेम द फोर इंडियन फर्स्ट इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलप एयर ड्रॉप कंटेनर्स व्हिच वाज टेस्ट ट्रायल रिसेंटली बाय इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ. कौन सा आंसर होगा डियर? इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ का टेस्ट किया गया है. तानिया चौधरी ने कहा डी, बिल्कुल गुड. तानिया एकदम फास्ट रही है. जो जितना फास्ट करेगा वो उतना अच्छा कर पा रहा है. देखो आज का आज क्वेश्चन आंसर. ओके ओके ओके. तानिया चौधरी ने कहा सहायक एनजी क्या रहेगा. ओके बिल्कुल आंसर होगा सहायक एनजी. लिखने का प्रयास कीजिएगा, जो लिख देगा वो और समझिए उसका परमानेंट हो गया.
सहायक एनजी वेरी गुड्स. गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवान एज पर द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियड. ये कौन से चेयरमैन, किसके चेयरमैन है? डीआरडीओ, इसरो, बार्क एंड टेरी. ही द चेयरमैन ऑफ इसरो. इसरो वेरी गुड. तानिया चौधरी ने कहा इसरो चेयरमैन है. इनके कार्यकाल को बढ़ाकर ओके 14th जनवरी 2022 कर दिया गया. मींस 14th जनवरी 2021 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था. आंसर इज बिल्कुल बी है. ओके, यू कैन सी हिम विद अ स्माइलिंग फेस एंड डेडिकेशन टू नेशंस. ओके, आप सभी को मैं इस साल 2021 में कम से कम मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बंदे को जनरल अवेयरनेस में कम से कम 50 से 60 लोगों को, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको 100 मार्क्स आना है एट एनी कॉस्ट. वी विल डू ऑल द थिंग्स टू मेक यू. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स इन विच सिटीज. बिल्कुल सही आंसर इज योर हैदराबाद. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. फटाफट फटाफट. इंडियन फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट्स. किस राज्य में फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क को डेवलप किया गया? आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल. एकदम जवान जवान पे आना चाहिए. यस, जो लिख रहा है उत्तराखंड बिल्कुल सही है. मनीषा काइंडली हैबिट टू डेवलप द राइट डाउन. ये जितनी बार उत्तराखंड लिखोगे ना, ये क्वेश्चन जितना देर आपके पास रहेगा, ये माइंड में एक इमेज क्रिएट करेगा. क्योंकि देखो करंट अफेयर्स काफी पैनिक्स होता है. सो मैं कंप्लीट आइडियोलॉजी के साथ करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ. ये ऐसा करंट अफेयर्स है कि बार बार पढ़ोगे तो भूलोगे, बस भूलोगे नहीं, ऐसा मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको. ओके मनीषा जी, ओके सर, वेरी गुड. हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, आंसर इज योर उत्तराखंड. आप शॉर्ट में यूटी लिख सकते हो या यूके लिख सकते हो. ओके, नहीं यूटी लिखना होगा, यूटी के देन उत्तराखंड हो जाएगा. ये क्लियर है? चलिए. गवर्नमेंट हैड फर्दर एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ मैंडेटरी यूजेस ऑफ फास्टैग. व्हाट इज द न्यू डेडलाइंस? फास्टैग देखो चूंकि नई चीज है, ये तो फास्टैग से कई क्वेश्चन मैंने कराया है. किस बैंक ने सबसे पहले इनके साथ एसोसिएट किया है? ओके, कौन सा पेमेंट बैंक ने एसोसिएट किया है? ये सर 1 फरवरी 2021. वेरी गुड, वेरी गुड. तानिया चौधरी बिल्कुल सही कर रही हैं आप. मनीषा झा, ये दो बंदे काफी अच्छे कर रहे हैं, बाकी बंदे तो लगते आउट भी हो रहे हैं. ओके वेरी गुड. वेरी संध्या, मेक इट, यू शुड हैव टू मेक इट करेक्ट. आपको आंसर करना चाहिए. जैसे लोगों ने लिखा है, तानिया लिखा है, मनीषा झा ने लिखा है, तो संध्या आपको भी लिखना चाहिए था. चलिए, द टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस, सेम चीज है डियर, सेम आंसर, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ. विच गवर्निंग बॉडी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद यूएनडीपी टू लॉन्च इंडियन फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड. सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को किसने लॉन्च किया? बिल्कुल सही, आपका जवाब सही जा रहा है. हैदराबाद, हैदराबाद आइए. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. आंसर करने सी, पिंपरी चिंदवाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे. तो इनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. हाँ जी, हाँ जी, यस, बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल सही करा आपने. पिंपरी लिख दिया, मैं समझ पाऊंगा. तन्मय चौधरी ने पिंपरी चंदवाल भी लिख दिया, संध्या जी ने भी लिख दिया, बिल्कुल सही. हाँ हाँ, बिल्कुल सही. 8% अभी लाइव है और 3-4 का जवाब आ रहा है. मनीषा झा बिल्कुल सही, जिनका जवाब आ रहा समझो वो काफी सक्सेस. आप जस्ट तुरंत मुझे फॉलो कर सकते हो, 7:10 PM पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. इनमें अराउंड 35 क्वेश्चंस हैं. टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन? देयर आर 35 क्वेश्चन. ये 28 से लेकर आपको 3 जनवरी तक के सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है. जो इम्पोर्टेंट है वो 7 बजे आप देख पाएंगे सेशन को. अनअकैडमी पे आप अनअकैडमी पे जाओ और डिफेंस सेक्शन में जाओ और SPAJ कुमार को डाउनलोड करो, कोड को यूज करो और आप मेरे सेशन को देख पाओगे वहां. चलिए वेरी गुड. सो आंसर इज योर पिंपरी चिंदवाड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे. आइए, इंदिरा जोसेफ वेनियोर्स हु हैज पास्ड रिसेंटली वाज रेनाउंड. ये क्या है? रेनाउंड ब्रॉडकास्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्लासिकल डांसर एंड पेंटर हैं. कल से डियर पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन आंसर होगी, क्योंकि आज पूरे वीक्स का इंपॉर्टेंट था. ब्रॉडकास्टर बिल्कुल तानिया, बिल्कुल ब्रॉडकास्टर. मनीषा ने भी कहा ब्रॉडकास्ट. वेरी गुड्स, वेरी गुड्स, वेरी गुड्स. मनीषा ने कहा ब्रॉडकास्टर. वेरी गुड्स.
कल हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन जीएस सेक्शन, इसकी चर्चा होगी डियर पूरी एनालिसिस के साथ। फाइन, चलिए, वेरी गुड ब्रॉडकास्टर मैथ ऑडिट, वेरी गुड ब्रॉडकास्टर, वेरी गुड। आइए अब बारी है डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर CDS, CAPF, APCAT, ये मैं आपको बता दूं डियर, ये जो सीरीज चल रही है वो जनवरी 2020 दिसंबर 2020 तक ये सीरीज चल रही डियर। तो इनके अंदर में एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चनों को डाला गया है। ओके, अराउंड 7 to 8 जनवरी तक के सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, 3 क्लासेस में सारे जनवरी हो जाएंगे। टॉप क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्लियर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डाला गया। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस सेक्शन के लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल मेडिकल कमीशन। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे नेशनल मेडिकल कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? राजेंद्र मित्तल, आशुतोष बंसल, सुरेश चंद्र शर्मा एंड महेश कुमार तिवारी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। Who has been appointed as the first chairman of newly constituted National Medical Commissions? आप सभी लोग CDS, CF और NDF की ही तैयारी कर रहे होंगे, काफी बेहतरीन, ऐसे करंट अफेयर तो सभी एग्जामिनेशनों में आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट MMI और BBI है ये। ओके, आंसर करोगे Anybody? चलिए, the appointment committee of the cabinet has approved the professor Suresh Chandra Sharma. Answer है professor Suresh Chandra Sharma, head of Delhi AIIMS, ENT head and neck surgery department, as the chairman of National Medical Commission for 2020. इन्हें 2020 को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नेशनल NMC, नेशनल कमीशंस और नेशनल मेडिकल कमीशंस ऑफ इंडिया, या दिल्ली एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ENT मींस ईयर नोज थ्रॉट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के हेड्स थे, क्लियर है। हाँ जी, आशुतोष प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, आशुतोष वंसल, मे बी की जगह नहीं दिया। आप कभी भी जीएस में जो कभी निगेटिव नहीं लेता है डियर, मे भी करके निगेटिव लेने का प्रयास ना करें प्लीज। यही एक ऐसा, देखो आंसर क्या होगा डियर, आपके सामने है, मैंने लिखा दिया, आप बताइए। सुरेश चंद्र शर्मा आंसर इज योर, सुरेश चंद्र शर्मा, ये इनको ये क्या है एम्स में किस डिपार्टमेंट में है? ENT डिपार्टमेंट में है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हूं। सो आंसर इज सी, सुरेश चंद्र शर्मा। ओके, सभी को आंसर करोगे, फाइन, आगे बढ़ो। मैं मनीषा झा, बिल्कुल सही। चलिए अब अगर बात करो तो राकेश कुमार वेस्ट को सेक्रेटरी जनरल इन बोर्ड ऑफ गवर्नर, राकेश कुमार को सेक्रेटरी जनरल चुना गया है। ओके, बोथ ऑफ देम हैव बीन अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, तो आप जान लो ये कितने दिनों के लिए, तो 3 सालों के लिए। ओके, टिल द एज ऑफ 17 इयर्स, या तो उनकी उम्र 70 साल हो जाए या फिर उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया, करेक्ट। चलिए वेरी गुड, दिल्ली साइकिल वॉक प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर्स अमित शाह इन विच दिल्ली, इन न्यू दिल्ली, द प्रोजेक्ट विच विल बी स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, कितने एरिया में साइकिल रेस उद्घाटन किया गया है? साइकिल वॉक प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर अमित शाह इन न्यू दिल्ली, कल के क्लासेस को बोले नहीं डियर, कल 100 मार्क्स कैसे लाने, सारी सभी सब्जेक्ट को मैं टच करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ओके, संदीप रंजन ने कहा बी 100 किलोमीटर। ओके, मनीषा झा ने कहा है बी 100 किलोमीटर। ओके, एनी मोर, मैथ्स एडिक्ट ने कहा 110 किलोमीटर, इस बार मे भी नहीं कहा, वेरी गुड। जब तक डियर आप करंट अफेयर्स को नहीं अच्छे से करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, डे बाय डे करंट अफेयर्स का ग्राफ बढ़ रहा है,
पिछले साल अगर 40% था तो इस बार 60% हो रहा है। सी आंसर इज जो 220 किलोमीटर, आंसर कितना करेंगे डियर 220 किलोमीटर। ओके फाइन, सभी का गलत है, किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। आंसर इज 220 किलोमीटर। ये तुगलकाबाद न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके नो बी, नो बी अतुल दुबे, नो बी आंसर इज ए अतुल दुबे, आंसर इज ए 220 किलोमीटर। ओके चलिए नेक्स्ट, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इज एक्वायरिंग मेजोरिटी स्टॉक इन कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड आंध्र प्रदेश, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द स्टेक दैट विल बी एक्वायर्ड बाय एपीएसईजेड। देखो इस तरह के क्वेश्चन इस बार काफी पूछे जाएंगे। देखो इस बार COVID-19 के वजह से दो ही तीन काम हुए हैं, इस कंपनी का इस कंपनी में मर्जर हुआ है या तो वैक्सीन निकला है। ओके क्योंकि कोई भी सेमिनार हुए हैं तो दो तीन वर्चुअल हुए हैं, स्पोर्ट्स में सभी को पोस्टपोन कर दिए हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस ईयर का करंट अफेयर्स, क्योंकि इनमें लिमिटेड है, अदरवाइज पिछले ईयर में जाते हैं तो काफी क्वेश्चंस आंसर बन सकते थे। अभी बहुत सारी एक्टिविटियां नहीं हुई है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना परसेंट शेयर लिया है आंसर का, गौतम अदानी लेट अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर हैज अनाउंस एक्वायर्ड कंट्रोलिंग ऑफ 75% कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। देखो डियर आंसर आप कर सकते हो यहीं से। ओके द कंपनी विल बाय 75% स्टेक इन केपीसीएल एट एन एंटरप्रेन्योर वैल्यूज ऑफ 100,000, 100,000, 10,000 ओके 13,572 crore। इट इज द लार्जेस्ट एक्विजिशन इन द पोर्ट सेक्टर इन इंडिया, करेक्ट? हाँ जी हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा 75%। नोटबुक लेके बैठेंगे कल से हमारे क्लासेस में, जैसे मैं कहता हूँ जस्ट वैसे करना डियर, फिर आप अपने आंसर को देखना। और जो लोग डीप देखना चाहते हैं वो अनअकैडमी पे आ जाएं, आज भी अनअकैडमी पे क्वेश्चन ही चलेंगे, कल से हमारी वहाँ एनालिसिस चलेगी, क्लियर? चलिए, नेम द विनर ऑफ द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 इन द सिंगिंग कैटेगरी ऑफ बीइंग एबल टू सिंग इन 120 लैंग्वेजेस। कौन ऐसी लड़की है, कौन ऐसी महिला है जो 120 लैंग्वेजेस में गाने को गाई है, जिन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइगेंद्रा राज, आकाश वुरुकिट, कौटल्या पंडित, सुचेता सतीश। आंसर देखो दुबई बेस्ड इंडियन गर्ल सुचेता सतीश, ये दुबई में रहती हैं सुचेता सतीश, हु कैन सिंग इन 120 लैंग्वेजेस एंड ओन द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड्स 2020 न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 3, 2020। द 13 ईयर ओल्ड, मात्र 13 साल की लड़की है ओल्ड सुचेता, वॉज सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर हर ट्विन वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, पहला विच इंक्लूडेड सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग वन कंसर्ट and the lastest and the longest live singing contract by the child. Okay, see record at the age of 20, ye 12 saal ki age mein Dubai mein ek record banayi thi kya, auditorium when she sang a 102 language over 6.5 hour, 6 ghante 15 minute tak gana gaati reh gayi aur around 102 languages mein ye gana gayi thi, pehle ye tak ka record tha Dubai mein aur abhi ye 120 लैंग्वेजेस में गाने को गाई है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके वेरी गुड, वैसे सिंगर्स का नाम बताएं या वैसे चाइल्ड्स का नाम बताएं जो बिल्कुल ही कम उम्र में ओके 120 लैंग्वेजेस में सिंगिंग गाई है, जिसे चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है, राजकुमार मीना जी। ओके मेगेंद्रा राज, आकाश वुकोटी, कौटल्या पंडित, सुचेता पंडित एंड सुचेता सतीश। ओके नेक्स्ट टाइम से मैं लिख दूंगा इसको हिंदी में, फाइन। ओके राजकुमार जी, नेक्स्ट टाइम से मुझे स्लाइड्स बनानी होगी तो मैं इनके नीचे हिंदी में भी लिख दूंगा, क्लियर है? वी विल ट्राई, मैं कल एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा कैसे इसको हिंदी में लिखा जाए, वी विल सी, करेक्ट? चलिए तो सुचेता सतीश,
ओके थैंक यू राजकुमार, वी विल डू। सुचिता सतीश, ये क्या है? ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, आप कैसे, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। ओके डॉक्टर सुचिता सतीश, ये दुबई बेस्ड महिला हैं, 13 साल इनकी उम्र है और 13 साल की उम्र में 120 लैंग्वेजेस में इस गाने को गाई है। ओके इस वजह से इन्हें चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नॉलेज हब टू एम्पावर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर थ्रू एआई लर्निंग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ओके स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि यहाँ पे शेयरों की खरीद बिक्री की जा सकती हो। ओके तो इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर सर्विस को लॉन्च किया गया है। वो किस जगह पे एस्टेब्लिश किया गया, इन विच प्लेसेस इट वाज एस्टेब्लिश, न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड कोलकाता, फटाफट। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर कि आपको एग्जामिनेशन में आने ही है। कल जो मैं आपको स्लाइड बताऊंगा, सर ये डॉक्टर है, हु इज डॉक्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रेलवे श्री सुरेश गोयल इनॉग्रेट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके न्यू दिल्ली। Artificial intelligence power learning system will assist banking financial services sector to enhance their skill in AI and machine. The knowledge hub created by NSE will help academic institution. ये academic institution है in preparing further ready talented in the banking financial service. Okay, very good. Answer आपका क्या होगा? New Delhi. समझ रहे हैं dear? Very good. The Journalist Day is observed on January 6th of every day by which Indian states? कौन सा राज्य है भारत का जो Journalist, yes, Journalist Day मनाता है 6 तारीख को, Journalist Day मनाता है कौन सा राज्य? गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड ऑल ऑफ दीज। मैं एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ फिर मैं हिंदी में बोल देता हूँ, so that those who are understanding in English can understand, those who are not able to understand English can understand in Hindi. The Journalist Day is observed on 6th of every year in which Indian state? Okay, Journalist Day हर साल 6 जनवरी को किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? Answer राजकुमार मीना ने लिखा है डी, all of these. Okay, अगर all of these होता, the Chief Minister of देखो उद्धव ठाकरे लेट महाराष्ट्र स्टेट सेलिब्रेट द जर्नलिस्ट डे ऑन 6th जनवरी एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ द लेट जर्नलिस्ट बालाश्री जांबेडकर। ओके फादर ऑफ मराठी जर्नलिस्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर कि फादर ऑफ मराठी जर्नलिस्ट किसे कहा जाता है? बालाश्री जांबेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिस्ट। ओके ओके जो फर्स्ट दर्पण जो निकला था मराठी लैंग्वेज में, इन्होंने निकाला, इसका नाम क्या है? दर्पण, जो 1832 में पब्लिश हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि पहली मराठी जर्नल कौन है, तो दर्पण, विच वॉज पब्लिश इन 6 जनवरी 1832, इसी वजह से ये बनाया जाता है। सो आंसर क्या होगा डियर? आपने डी कहा है, आंसर करो सी, महाराष्ट्र, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप REV फिन हैज टाई अप विद विच इंश्योरेंस फर्म टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस कवर टू इट्स कस्टमर ऑन देयर लोन्स। तो जो कौन सा ऐसा डिजिटल लेंडर्स है जो लोन पर ही आपको इंश्योरेंस कवर देने की बात कर रहा है? एजियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। काफी VIP क्वेश्चन है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि आपके लोन पर आपको रिस्क कवर करेगा, तो ये लोन लेने के बाद भी आपको क्या करेगा, ये इंश्योरेंस कवर कर देगा। ओके राजकुमार जी सी लिख रहे हैं ICICI प्रुडेंशियल लाइफ, बाकी लोग क्या लिख रहे हैं? अर्शद प्रोडक्शन लिख रहे हैं डी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके बाकी लोग कुछ लिख रहे हैं? सो PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, सभी कोई फेल हो गए। PNB
MetLife, ओके ये MetLife और PNB का कोलैबोरेशन है, वो 3 लाख फॉर ए टर्म ऑफ 3 इयर्स, ओके सो आंसर इज व्हाट, PNB MetLife इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, करेक्ट। चलिए Which city is hosting the 3-day National Trader Convention 2020? किस राज्य ने, किस जगहों पे या किस शहर ने होस्ट किया है 3-day National Trader Convention 2020? बिल्कुल सही था राजकुमार, आपका बिल्कुल पंजाब PNB था, बिल्कुल सही। ग्रेटर नोएडा, भोपाल, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली। सभी लोग एंजॉय कर रहे हो सेशन को, बिल्कुल एंजॉय करो। ग्रेटर नोएडा, भोपाल, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली, वी विल सी हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स, कल देखेंगे हम लोग। आंसर इज द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, 3-day नेशनल ट्रेडर कन्वेंशन एट रामलीला मैदान इन न्यू दिल्ली। ओके किस शहर ने, ओके 3 दिनों का राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन 2020 मनाया है, ग्रेटर नोएडा ने, भोपाल ने, लखनऊ ने, न्यू दिल्ली ने। ओके आंसर आपने कर रखा है न्यू दिल्ली, सोनू राज ने भी करा है न्यू दिल्ली, वेरी गुड्स। और किसने इसे किया है, तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने, राजनाथ सिंह ने, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने किया था। कन्वेंशन है ऑर्गेनाइज बाय, ये कन्वेंशन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। ओके फाइन, चलिए सो अब डियर हम लोग इनको हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे, उससे पहले आपसे कुछ बात करूंगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे डियर। ओहो मैंने रिलीज नहीं किया इसको, मेक इट इरेज। चलिए आप इसको रिवीजन करेंगे और एक भी लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। Who has been appointed as the first chairman of newly constituted National Medical Commission? फटाफट आंसर कर लिख के करेंगे। सर जी राजनाथ सिंह आपके गृह मंत्री नहीं है, राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री राजकुमार जी, मीना जी रक्षा मंत्री है वो। Who has been appointed as the chairman of newly constituted National Medical Commission? National Medical Commission के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, आंसर रहा आपके सामने, आंसर करो। राजेंद्र मित्तल, आशुतोष बंसल, सुरेश चंद्र शर्मा एंड महेश कुमार तिवारी। CCCB अर्शद प्रोडक्शन, कैसे भाई आप कैसे कर रहे हो, ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। अर्शद आंसर इज योर सी, यस सर, वेरी गुड, सी आंसर इज सी, सुरेश चंद्र शर्मा। ओके वी विल नॉट डिस्कस लेटर, मैं कर चुका हूं। दिल्ली साइकिल, यहां भी देखो आंसर कर रखा है, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं फटाफट। दिल्ली साइकिल वॉक कितने, व्हिच वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह इन न्यू दिल्ली, द प्रोजेक्ट विल बी, दिल्ली साइकिल वर्क जो है रिसेंटली उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा, वे कितने किलोमीटर का है, अतुल दुबे ने कहा। अतुल दुबे फिर आप गलत कर रहे हो, आंसर इज फटाफट 220 किलोमीटर, फाइन। मैं यूजुअली सामने ही इरेज कर देता हूं ताकि आप भी समझ पाओ। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ इज एक्वायरिंग मेजोरिटी स्टॉक इन कृष्णापट्टनम, जो स्पेशल अडानी पोर्ट जो कंपनी है वो श्री कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड का जो स्टॉक को उन्होंने क्या किया, एक्वायर्ड किया है, वो कितना परसेंट किया है। सिद्धेश उपसर ने कहा 75, अतुल दुबे ने कहा 75, बिल्कुल आप अतुल दुबे 75%, बिल्कुल सही, यस ये हुआ परफेक्शन अतुल जी, वेरी गुड।
सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अन अकेडमी पे भी आए फिर देखें डिफरेंस को। ओके, मनीषा झा ने कहा 75%, बिल्कुल आंसर क्या होगा 75%, करेक्ट आंसर इज योर 75%, आज का आज ही याद हो जाना चाहिए। Name the winner of Global Child Prodigy Award 2020 in the singing category of for being able to sing in 120 languages. किसे जो है दिए गए विकल्पों में से किसे Child Prodigy Award 2020 से सम्मानित किया गया है जिन्होंने 120 languages में गाने को गाया है। अतुल दुबे ने कहा सुचेता सतीश, ये दुबई बेस्ड लड़की है, 13 साल की लड़की है सुचेता सतीश, बिल्कुल सही आंसर है आपका, आंसर जो सुचिता सहित या दुबे बेस्ट है। ओके वेरी गुड, आइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब टू एम्पावर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर इज थ्रू इंटेलिजेंस ओके हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, न्यू दिल्ली, वेरी गुड। अर्शद प्रोडक्शन ने कहा अब अर्शद सही आए हो न्यू दिल्ली, देखो कितनी अच्छी बात है अर्शद, जैसे लोग लिख रहे हैं न्यू दिल्ली आप भी लिखो न्यू दिल्ली, वेरी गुड, ये लिखने से ना माइंड में बातें रहती हैं, आंसर इज योर न्यू दिल्ली, वेरी गुड। आइए जर्नलिस्ट डे जो है किस जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व इन जनवरी 6 ऑफ एवरी ईयर बाई विच इंडियन स्टेट्स, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिल्कुल अर्शद प्रोडक्शन ने कहा महाराष्ट्र, वेरी गुड। अतुल दुबे ने कहा वेरी गुड महाराष्ट्र, देखो कौन पहले आता है, राजकुमार ने कहा सी, वेरी गुड। ऋषभ बलिदान ने कहा महाराष्ट्र, वेरी गुड, सभी को आंसर करना चाहिए, 8% है, फटाफट आंसर करें, आंसर बिल्कुल सही है महाराष्ट्र। ओके डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप रीवीफिंग्स हैज टाई अप विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म टू ऑफर द लाइफ इंश्योरेंस कवर टू इट्स कस्टमर ऑन देयर लोन्स, तो कौन से ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने लोन पर जो है इंश्योरेंस देने की बात करा है, राजकुमार जी आपके लिए। ओके एरिगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आपने कहा PNB MetLife Insurance, MetLife और PNB Bank है, MetLife Insurance Company है, ओके वेरी गुड, PNB MetLife, बिल्कुल सही आंसर। चलिए विच सिटी इज होस्टिंग द 3-डे नेशनल ट्रेड कन्वेंशन 2020, कौन सा सिटी जो है कौन सा जगह जो है ओके 3 डेज का नेशनल ट्रेड कन्वेंशन 2020 होस्टिंग किया है, ग्रेटर नोएडा, भोपाल, लखनऊ, न्यू दिल्ली, आंसर इज योर न्यू दिल्ली, वेरी गुड। सो थैंक यू डियर्स, थैंक यू टू लॉट्स ऑफ जस्ट डिफेंस एग्जामिनेशन क्विज में आपका फिर से वेलकम है, कल फिर मिलेंगे 6 बजे डियर, थैंक यू, लेट्स मी सब्सक्राइब एंड यूज माय रेफरल कोड AJ कुमार दोज हु वांट टू बी गेट द सब्सक्रिप्शन, आप जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ओके यस बाय राजनाथ सिंह, वेरी गुड, तो आप हमारा कोड्स यूज करो। एनी क्वेश्चन डियर, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, मनीषा झा आप लोग किसी में से कुछ कहना चाहते हो, एनीथिंग आस्किंग्स, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो फटाफट पूछो, क्या मेरे बारे में जानना चाहते हो, डू यू वांट टू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में जानना चाहोगे, एनीबॉडी वांट टू नो अबाउट मी, आर्सर प्रोडक्शंस व्हाट यू से, टेलीग्राम में लाइक दैट,
यू कैन टेलीग्राम में आप आ सकते हो, एमिनेंट एजुकेटर में अपने आप को कनेक्ट करो, इट इज माय पर्सनल्स, ओके। यस, मैं अपने बारे में बता दूं कि आई एम डूइंग पीएचडी, मैं पीएचडी कर रहा हूँ विथ इकोनॉमिक्स, ओके। आई एम डूइंग पीएचडी विथ इकोनॉमिक्स और मैं क्लासेस ले रहा हूँ कॉलेजेस में। सेकंड, मैंने टीसीएस कंपनी में 5 इयर्स जॉब करा है एट लखनऊ, लखनऊ में, ओके। पिछले 4-5 सालों से टीचिंग में हूँ, ओके। हिंदी में बोल रहा हूँ कि मैंने पीएचडी करा है, कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से। मैंने टीसीएस में ज्वाइन किया था लखनऊ में, मैंने जॉब किया है, ओके। आप मुझे टेलीग्राम पे पा सकते हो एमिनेंट एजुकेटर के रूप में, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। लेट्स क्रैक ग्रुप में आप मुझे पा सकते हो, ये भी टेलीग्राम है, ओके। अन अकेडमी ऐप्स पे आ सकते हो, डिफेंस सेक्शन में आपसे कोड मांगेगा तो SPAJ Kumar इज माई कोड। अब उस कोड का प्रयोग करके हमारा वीडियो देख सकते हो अभी जस्ट 7:10 में। कौन सा क्लास का डियर और करंट अफेयर्स ग्रुप है, व्हाट्सएप में आ सकते हो, विच क्लास मनीषा जा, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किस क्लास के टाइम पूछ रहे हो डियर्स? ओके, यूट्यूब पे आप आ जाओगे तो ये क्लासेस चलेगी 6 बजे। अभी आ जाओ ना, 7 PM पे आ जाओ। कल तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 100 मार्क्स करोगे, सारे सेक्शन को लेके बताऊंगा और सभी सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, ये सारी मैं बात आपको बताऊंगा कल, बिल्कुल, ओके। हाँ जी, 7:10 से आ जाओ अन अकेडमी पे और 6 बजे से आ जाओ डेली यूट्यूब पे। और 1 बजे 1 PM में संडे को मिलता हूँ मैं, और संडे को मैं लेता हूँ धमाका ज्ञान। क्या लेता हूँ? धमाका ज्ञान, ओके। नहीं, 7 PM पे मैं दूसरे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सेवन डबल जीरो 4043326। हाँ जी, ट्यूजडे संडे तो 1 बजे क्लासेस हो गई है, मैंने उसमें पढ़ाया है नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन, ओके। अर्शद, मैंने उसमें क्लासेस लिया है मानव अधिकार आयोग के बारे में, ओके। डिफेंस क्वेस्ट पे 1 बजे मैंने क्लासेस लिया है, तो मैं डिफेंस क्वेस्ट पे भी लेता हूँ ओनली संडे को 1 बजे। लेट्स क्रैक पे लेता हूँ 6 बजे, जिस पर अभी आप देख रहे हो, और अन अकेडमी पे लेता हूँ 7:10 में, ओके। चलिए डियर, टाइम हो गए हैं अन अकेडमी पे, फाइन, वी विल मीट यू टुमारो, ओके। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, फाइन फाइन। थैंक यू, कल मिलो, ओके। ओके, वी विल मीट टुमारो।